हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पंजाब एडीओ में अगेन एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज डिजीजेस ऑफ राइस। यानी कि आज हम लोग राइस के डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि पंजाब में इस टाइप के राइस, वीट, इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है, और लास्ट टाइम भी राइस से क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मैंने सॉल्व भी करवाया था, तो उसमें राइस के डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो गाइस, आज की क्लास में अगेन हम लोग राइस की डिजीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जो कि राइस की डिजीजेस पर बेस्ड है। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। राइट, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो भाई, और अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग गाइस ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हो तो आप लोग को जाना है कैटेगरीज पर। कैटेगरीज में आपको चूज़ करना है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेली क्विजेस पर जाना है। डेली क्विजेस के ऑप्शन पर जब आप जाओगे तो आपको इसमें क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के भी मिलेंगे। राइट, तो उनको आप ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा गाइस, यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून शैलेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है आपका डिजीजेस ऑफ राइस के ऊपर। राइट, तो बेसिकली गाइस फर्स्ट डिजीज जो है राइस की, दैट इज एक्चुअली ब्लास्ट। ठीक है, पहला जो इन्फेक्शन है दैट इज एक्चुअली ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट डिजीज जो है राइस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। तो ब्लास्ट डिजीज का जो ये इन्फेक्शन है, इसे पायरिकुलेरिया ओराइजी कॉज करता है। ठीक है, अब गाइस देखो, दिस इज एक्चुअली द फंगल पैथोजन। ठीक है, ये क्या है, एक फंगल पैथोजन है। ठीक है, यानी कि ये एक क्या है, फंगस है। ठीक है, अब भाई फंगस है तो ये क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब इसके जो स्पोर्स हैं वो आपके सेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, और एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर गाइज इसका जो सेक्सुअल स्टेज है दैट इज मैग्नोपोर्थी ग्रेसी। मैग्नोपोर्थी ग्रेसी ये इसका सेक्सुअल स्टेज है, और जनरली पायरिकुलेरिया ओराइजी जो है इसके लिए इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, क्योंकि गाइस देखो किसी भी डिजीज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। उसके सिम्टम्स के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि डिजीज और इन्फेक्शन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, काफी सारे डिजीज और इन्फेक्शन होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर कौन सा इम्पॉर्टेंट, कौन सा इस इन्फेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये क्या करता है, एक तो हर एक स्टेज में क्रॉप्स में इन्फेक्शन करेगा। अब देखो, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, ठीक है, कुछ क्रॉप्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करती हूँ फाइटोफथोरा के इन्फेक्शन का। ठीक है, फाइटोफथोरा का जो इन्फेक्शन है वो दो तरीके से होता है, उसमें एक तो प्री एमरजेंस होती है, एक होती है पोस्ट एमरजेंस। ठीक है, प्री इमरजेंस यानी कि बहुत पहले इन्फेक्शन होता है, जैसे ही आप सीड की सोइंग करते हो वैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, या फिर जैसे ही सीडलिंग बनने लगता है उसके बाद इन्फेक्शन होता है। तो भाई वो क्या करता है, पहले की स्टेजेस में इन्फेक्शन कॉज करता है और कंप्लीट प्लांट को खत्म कर देता है, यानी कि या तो सीड को ही खराब कर देगा, सीड में ही उसने रॉटिंग कॉज कर दी, उसको ही खराब कर दिया पहली कंडीशन, तो भी क्या होगा, प्लांट नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन, अगर उसने सीडलिंग को खराब कर दिया, यानी कि उसने अगर सीडलिंग जर्मिनेशन नहीं हुआ, यानी कि सीडलिंग अगर नहीं बना, तो इन दैट कंडीशन अगेन क्या होगा, प्लांट जो है वो प्लांट नहीं बने, नहीं बनेगा उससे। तो बेसिकली ये जो पैथोजन है ये अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन कॉज करता है। लेकिन यहाँ पर हम पायरिकुलेरिया ओराइजी की बात करते हैं, तो ये फंगस जो है क्रॉप ग्रोथ के किसी भी स्टेजेस में, ठीक है, क्रॉप ग्रोथ के किसी भी स्टेज में इन्फेक्शन कॉज करता है और उस पर्टिकुलर क्रॉप को खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखो इसके सिम्टम्स कौन कौन से पार्ट्स में अपीयर होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस इसके सिम्टम्स जनरली हम नोड्स वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है, प्लांट का जो नोड है, लीव्स में देखते हैं, रैकिस में देखते हैं, या फिर ग्लूम्स यानी कि जो उसके क्या होते हैं, ग्रेन्स।
तो ग्लूम्स वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो लीव्स, रैकिस, नोट्स और ग्लूम्स, दो जगह हम इसका इन्फेक्शन देखते हैं। क्लियर बात? चलो, तो ये सिम्टम्स हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर अपीयर होते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं गाइस, ऑन द लीव्स, लीव्स में कहाँ पर इसके लीजन्स जो है वो किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो लीव्स में जनरली जो लीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लूइश ग्रीन कलर के फ्लीक्स को बनाते हैं, ठीक है, एंड विच एनलार्ज अंडर द मॉइस्ट वेदर कंडीशन। और जब आपकी मॉइस्ट कंडीशन आती है, ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि फंगस जो है सबसे अच्छी ग्रोथ करता है मॉइस्ट कंडीशन में, तो भाई सीधी सी बात, जब मॉइस्ट वेदर कंडीशन आती है तो इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाती है, ये फंगस और अच्छी ग्रोथ करता है, और ज्यादा इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, और अच्छी ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिलती है। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स। कैसे स्पॉट्स बनते हैं? स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स विद The grey center and dark brown margin। तो भाई इसमें कि जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि मॉइस्ट कंडीशन आने पर जैसे जैसे ये इन्फेक्शन और ज्यादा सीवियर होता है, तो इसमें स्पिंडल शेप के जनरली लीजन्स बन जाते हैं, और बीच से वो कैसे होते हैं, बीच से वो जनरली ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं इसके जनरल सिम्टम्स। क्या क्या पढ़ा हमने सिम्टम्स में? सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ा कि कौन से पार्ट में इन्फेक्शन करता है, लीव्स में, रैकेस में, नोट्स में, ग्लूम्स में इन्फेक्शन करता है। दूसरा, इस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, तो इसमें जनरली ब्लूइश ग्रीन कलर के फ्लीक्स दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, धीरे धीरे मॉइस्ट वेदर कंडीशन में वो और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, स्पिंडल शेप के स्पॉट्स बनाते हैं जो बीच से ग्रे कलर के होते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां से हमें सिम्टम हो गए हैं याद, ठीक है। अब चलो गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्पॉट्स कोलाज एज द डिजीज प्रोग्रेस। अब देखो गाइस, यहां जहां पर स्पॉट्स हुए हैं, ठीक है, जहां जहां पर हमारे स्पॉट्स हुए हैं वहां वहां पर क्या होगा, वहां वहां पर जितने भी स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। भाई अब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो स्पॉट्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। अब जब वो स्पॉट्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो वो पूरे बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। लीफ में एक यहां पर था वो यहां से आया, दूसरा यहां पर था वो यहां से आया, तो धीरे धीरे इस तरीके से जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो पास आते टाइम पे लीफ का वो काफी सारा एरिया कवर करेंगे, और वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, लीफ का ड्राई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लीफ पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। बात आ गई समझ में? तो जैसे जैसे ये स्पॉट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, लीफ में ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली लीफ कंप्लीटली खराब हो जाएगी। समझ आ गई इतनी बात? चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट आता है आपका सीवियरली इन्फेक्टेड नर्सरी एंड फील्ड अपीयर एज अ बंट। अब भाई जहां पर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर वो जनरली जैसे नर्सरी कंडीशन में हम देखें, ठीक है, या फील्ड कंडीशन में हम देखते हैं इस इन्फेक्शन को, तो जनरली ये कैसा अपीयरेंस देता है, जला हुआ, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बंट अपीयरेंस है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको बंट अपीयरेंस जनरली देता है। क्लियर बात? इसके अलावा गाइज ये क्या करता है, ब्लैक कलर के लीजन्स भी बनाता है, ठीक है, क्या बनाएगा, ब्लैक कलर के लीजन्स भी बनाता है, यानी कि इसमें जो लीजन्स है वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं और नोड में दिखाई देते हैं, नोड वाले पोर्शन में, इस तरीके से नोड में इस तरीके से ये क्या करता है, ब्लैक कलर के लीजन्स को बनाता है, और जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। भाई लीफ तो ड्राई हो ही गई है, पूरा का पूरा नोड जो है उसमें भी क्या होता है, गर्डलिंग हो जाती है, पूरा ब्लैक कलर की ग्रोथ दिखाई देती है और पूरा नोड वाला पोर्शन भी खराब हो गया। अब देखिए, द अफेक्टेड नोड मे ब्रेक एंड ऑल द प्लांट पार्ट above the infected node may die। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर नोड है, ठीक है, यहाँ पर नोड है, इससे ऊपर वाले पार्ट में फिर ग्लूम्स है, बाकी सब है, ये वाला पार्ट पूरा कैसा हो गया, इस तरीके से ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, इस तरीके से ब्लैक हो गया। जब ये ब्लैक हो गया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नोड वाले जो पार्ट है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब जब ये टूटेगा तो ऊपर वाला पार्ट भी तो नीचे गिर जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली पूरा का पूरा प्लांट हमारा हो गया खराब। तो इसमें बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं गाइज, नोडल ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, नोडल ब्लास्ट भी बोलेंगे। नोडल ब्लास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका नोड वाला जो पोर्शन है वो खराब हो गया, और जब लीफ ड्राई हो जाएगी तो लीफ ब्लास्ट हो गया। समझ गए इस बात को? तो ब्लास्ट के इन्फेक्शन में हम क्या क्या देखते हैं, हमने क्या क्या देखा, एक तो नोडल ब्लास्ट कंडीशन देखी और दूसरा हमने लीफ ब्लास्ट कंडीशन देखी, क्योंकि लीफ जो है वो ड्राई हो जाएगी जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा और फिर उसके बाद नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही हमारा नोड भी होता है, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, नोड का पोर्शन पूरा ब्लैक हो गया,
टूट गया, ब्रेक हो गया, नीचे गिर गया. उसके बाद जब नोड ही नीचे गिर गया, ब्रेक हो गया, तो भाई ऊपर जो प्लांट है वो भी गिर जाएगा. समझ आ गई बात? ये यहाँ पर इसके सिम्टम है ब्लास्ट के. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइज. नेक्स्ट वन इज ये आपका ब्लास्ट का इन्फेक्शन है. तो गाइज ब्लास्ट के इन्फेक्शन को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो ये देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से शेप में ये दिखाई दे रहे हैं लीजन्स. ये देखिए, ये लीजन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? स्पॉट्स हैं. ठीक है, और ये देखिए बीच से आपको ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं, हल्के ग्रे कलर के दिख रहे हैं बीच से. सॉरी गाइज, तो बीच से देखिए अलग सा कलर है. ठीक है, साइड से अलग कलर दिखाई दे रहा है. आप देखिए ये लीजन एक दूसरे के पास जाएंगे इस तरीके से. जब ये लीजन एक दूसरे के पास जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ कि पूरी की पूरी लीफ में वेदरिंग करेंगे ना, पूरी की पूरी लीफ हमारी खराब हो जाएगी. और भाई जब पूरी की पूरी लीफ ही हमारी खराब हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, लीफ गिर जाएगी नीचे. सॉरी गाइज, तो अल्टीमेटली लीफ क्या होगी, नीचे गिर जाएगी. तो ये बेसिकली ये सिम्टम हम किस में देखते हैं गाइज, ये हम देखते हैं लीफ ब्लास्ट में. समझ गए इस बात को? चलो अब चलते हैं गाइस हम मैनेजमेंट में. भाई हमने डिजीज पढ़ ली, कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, उसका सिम्टम भी पढ़ लिया, सिम्टम्स क्या है. ठीक है भाई, देख भी लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हम राइस की ब्लास्ट डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि राइस क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है. ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट के लिए गाइस हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करेंगे. ठीक है, जो हमारी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं उनको हम ग्रो करेंगे. जैसे CO47 है, IR20 है, ADT36 है, या फिर इसके अलावा ADT39 है, AST18 है, या फिर IR64 है. तो ऐसी कुछ वेराइटीज को हम ग्रो कर सकते हैं जो इन कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर लें. क्लियर बात? इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो जो ससेप्टेबल वेराइटी है, ठीक है, ससेप्टेबल वेराइटीज को नहीं लगाना है. जो टॉलरेंट वेराइटीज हैं, जो आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, उनको आप लगाओगे. अगर जो जितनी भी ससेप्टेबल वेराइटीज हैं उनको आप रिमूव कर दो, क्योंकि उनको जब आप रिमूव कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली किसी भी तरीके से वहां पर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा. क्योंकि यार देखो ससेप्टेबल वेराइटी क्या करेगी, इन्फेक्शन लेगी और इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम करेगी, तो वो हमें नहीं लगानी. रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द वीड होस्ट इन द फील्ड बर्न्स एंड चैनल. तो भाई हमारे फील्ड में जो भी आपके वीड होस्ट हैं, ठीक है, जो भी वीड है, क्योंकि वीड क्या करता है, एज अ होस्ट वर्क करता है. तो भाई जो भी आपके वीड प्रेजेंट होंगे उनको उठा करके फेंक दो, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन को लेकर के आते हैं और फिर हमारी क्रॉप्स में इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं. तो वीड्स को भी हमें रिमूव करना है. ठीक है, अब देखो एट द एंड हमें कुछ फंजासाइड भी यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि भाई फंगस का इन्फेक्शन है तो फंजासाइड तो अप्लाई करना बनता है. तो जैसे एथिरम हो गया, ठीक है, इसके अलावा कार्बेंडाजिम हो गया, कैप्टन हो गया, ठीक है, ये जनरली आप अप्लाई कर सकते हो. श्यूडोमोनास अप्लाई कर सकते हो, श्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस. ठीक है, तो ये कुछ ट्राइसाइक्लाजोल है, तो ये बेसिकली ये आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्रॉप में इन्फेक्शन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, या फिर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए. बात समझ में आ गई गाइस? तो एक हमें टॉलरेंट वेराइटीज लगानी है, या फिर हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज लगानी है. दूसरा हमें जो ससेप्टेबल वेराइटी है उनको अवॉइड करना है. तीसरी बात वीड होस्ट को हमें रिमूव करना, और चौथी बात हमें क्या करना है, ट्राईसाइक्लाजोल, श्यूडोमोनास या फिर कैप्टन, थिरम, कार्बेंडाजिम, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर गाइज, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट इन्फेक्शन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट इन्फेक्शन है हमारा, दैट इज ब्राउन स्पॉट. अब ब्राउन स्पॉट के बारे में तो आप सभी जानते हो. ब्राउन स्पॉट डिजीज कौन सी है? तो ब्राउन स्पॉट डिजीज जो है ये आपका बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, जो पूरी हिस्ट्री में भी जाना जाता है. हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसने इन्फेक्शन, ये जनरली कौन सा इन्फेक्शन करता है राइस में? ब्राउन स्पॉट का इन्फेक्शन करता है. और ये हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा सुना जाता है, पढ़ा भी जाता है प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में, क्योंकि इसने 1945 में बंगाल फेमाइन कॉज किया था. क्लियर बात? चलो अब इसके सिम्टम पे चलते हैं गाइस. तो सिम्टम में क्या है बेसिकली, देखो सिम्टम में ये एक फंगस है, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम. बेसिकली गाइज ये क्या करता है, सीडलिंग टू मिल्की स्टेज में इन्फेक्शन करता है. तो ये फंगस कौन सी स्टेज में अटैक करेगा, फ्रॉम सीडलिंग टू मिल्की स्टेज तक जनरली ये अटैक करता है क्रॉप में. ठीक है, तो देखो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज में अटैक कर रहा है. क्लियर ये बात? चलो अब सिम्टम्स में चलते हैं गाइज. तो इसके सिम्टम्स क्या है, जनरली इसमें भी आपके छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं.
ठीक है। अब वो स्पॉट्स अलग अलग कलर के होते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो स्पॉट्स कहाँ पर बनते हैं, कितने साइज के बनते हैं। तो इसमें जो स्पॉट्स बनेंगे वो माइन्यूट स्पॉट बनेंगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स बनेंगे। और ये स्पॉट्स बनते हैं आपके लीफ ब्लेड, लीफ शेथ, ग्लूम्स और कोलियोप्टाइल में। कहाँ कहाँ पर बनेंगे, मीन्स पूरा का पूरा लीफ वाले पार्ट में ये जितने भी स्पॉट्स हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये लीफ वाले पोर्शन को खराब कर देता है। किसको खराब करेगा, मेनली लीफ वाले पोर्शन को ये खराब कर देता है। क्लियर बात। अब देखो तो इसने लीफ शीट में, लीफ ब्लेड में, ग्लूम्स में और इसने कोलियोप्टाइल में इन्फेक्शन किया। ठीक है, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है ये ग्लूम्स और लीफ ब्लेड में करता है। कहां पर करेगा, ग्लूम्स और लीफ ब्लेड में ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो सिम्टम समझ में आ गया गाइस, ये फंगल पैथोजन जो है ये कब अटैक करता है, सीडलिंग स्टेज में अटैक करेगा। ठीक है, दूसरा माइन्यूट स्पॉट्स जनरली इसमें बनते हैं, और ये कोलियोप्टाइल, लीफ ब्लेड, लीफ शीथ, ग्लूम्स में जनरली क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लियर बात। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो इसमें जो स्पॉट्स बनते हैं वो जनरली ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं। कैसे बनेंगे, ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनेंगे, इसलिए क्या है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर बात। तो ब्राउन कलर के सिम्टम, डार्क ब्राउन कलर के सिम्टम्स इसमें बनते हैं, और बीच से वो जनरली क्या होते हैं, येलो होते हैं। ठीक है, विद येलो हेलो। तो येलो हेलो और सर्कुलर टाइप के होते हैं, बीच में येलो और सर्कुलर टाइप के होंगे। ठीक है, इसके भी जैसे हमने इसे पहले ब्लास्ट में पढ़ा कि इसके सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो इसमें भी सिमिलरली ऐसा ही होता है। सारे के जहां जहां पर स्पॉट्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, और एक दूसरे की तरफ बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, कोलास कर जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, और अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो लीफ है वो ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर बात। चलो इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो देखो गाइस इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जनरली सीडलिंग विल डाई, सीडलिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका स्कॉर्च्ड अपीयरेंस, यानी कि इसमें हम जला हुआ अपीयरेंस देखते हैं। हम अगर प्लांट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लांट में बिल्कुल जला हुआ अपीयरेंस आता है, झुलसा हुआ, जैसे धूप की वजह से झुलस जाता है ना, ऐसे स्कॉर्च्ड अपीयरेंस यानी कि झुलसा हुआ अपीयरेंस हम यहाँ पर देखते हैं प्लांट में। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट, डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट आर ऑल्सो अपेयर ऑन ग्लूम्स लीडिंग टू द ग्रेन डिस्कलरेशन। इसके अलावा गाइस क्या होता है, ग्लूम्स वाले पार्ट में क्या होता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो भाई जब अगर दाने में ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ गए, तो क्या आप उसको खरीदोगे, क्या आप ऐसे राइस के दाने को खरीदोगे जिसमें ऑलरेडी ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स है, नहीं खरीदोगे। तो ये भी एक डिफेक्ट आ जाता है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट, इट कॉज फेल्योर ऑफ द सीड जर्मिनेशन, सीड मॉर्टेलिटी एंड रिड्यूस द ग्रेन क्वालिटी एंड वेट। तो गाइज इसकी वजह से जनरली क्या होता है, सीड जर्मिनेशन नहीं होता। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में फेल्योर हो जाता है, सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा सीडलिंग मॉर्टेलिटी, डेफिनेटली सीडलिंग हमारे खत्म हो जाते हैं। दूसरा, ग्रेन की क्वालिटी और वेट दोनों के दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर ग्रेन में ना बेटर क्वालिटी रहती है और ना ही उस पर्टिकुलर ग्रेन में एक अच्छा वेट होता है। क्योंकि यार देखो, हेल्दी क्रॉप का क्या होता है, एक वेट होता है, हेल्दी सीड का एक वेट होता है। तो इसमें जनरली वेट और जो आपकी क्वालिटी है वो दोनों ही कम हो जाती है। क्लियर बात। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, डिस्कलरेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस, फेवरेबल कंडीशन। तो इस पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मैम व्हाट इज ऊस्पोर। ऊस्पोर क्या होता है, देखो ऊस्पोर जनरली आपके लोअर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, लोअर कैटेगरी में आने वाले स्पोर्स, ये जनरली आपके जैसे फाइटोफथोरा हो गया। ठीक है, ये जनरली आपके वाटर मोल्ड्स जो है ये जनरली ऊस्पोर के अंडर आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास फंगल क्लासिफिकेशन जब बताया था, तो उसमें आप लोगों को ऊस्पोर के बारे में भी बताया था, एक बार आप जा करके देखिएगा। ओके, तो देखो गाइस, फेवरेबल कंडीशन में जनरली कैसी कंडीशन होती है, टेम्परेचर कैसा चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसा चाहिए। तो देखो गाइस, फंगल इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर इसके लिए कितना है, तो 25 से 30 का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए सफिशिएंट है। और दूसरा, ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर बात। चलो इसके अलावा गाइस, अगर हम इसको एक्सेस नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है, एक्सेस नाइट्रोजन अगर हम इसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी इसके लिए क्या होगा, फंगस की ग्रोथ में उसको हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक्सेस नाइट्रोजन भी नहीं देनी है। क्लियर बात। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। तो भाई हमने पैथोजन पढ़ लिया, हमने होस्ट पढ़ सॉरी होस्ट तो हमें पता ही है
हम लोगों ने सिम्टम पढ़ लिया, अब हम लोग उसके पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में. क्लियर बात? अब देखो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे गाइस. तो बेसिकली सबसे पहले तो फील्ड सैनिटेशन, भाई फील्ड आपका क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई करनी है. साफ सफाई कैसे करेंगे? तो जितने भी एक्स्ट्रा उनके वीड होस्ट है उनको रिमूव करना है, वीड्स को नहीं रहने देना है, क्योंकि वीड्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम करते हैं. तो भाई सबसे पहले वीड्स को हटा देना, वहां से भगा देंगे हम वीड्स को. ठीक है, तो बेसिकली गाइस इसमें जनरली क्या होता है, आपका जो वीड्स है, ठीक है, जो आपके वीड्स है उनको हम क्या करेंगे, जैसे ऑल्टरनेट होस्ट है या फिर कोलेट्रल होस्ट जो भी हो, उनको हम सबसे पहले वहां से क्या करेंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे. तो उससे क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा. क्लियर बात? तो देखो बेसिकली रिमूवल ऑफ कोलेट्रल होस्ट एंड इन्फेक्टेड डेब्रिस फ्रॉम द फील्ड. तो एक तो जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको उठा करके बाहर फेंक देंगे, दूसरा जो कोलेट्रल होस्ट है वहां पर जो एज अ होस्ट उसके लिए वर्क कर रहा है जो वीड, उसको भी हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ फेंक देंगे. अब देखो यूज ऑफ स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इट इज एडवाइजेबल. तो भाई सीधी सी बात यहां पर क्या होता है, जो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनको ज्यादातर यूज करा जाता है. ठीक है, उनको ज्यादातर यूज करा जाता है जो स्लोली नाइट्रोजन को रिलीज करें. तो मैंने क्या बताया कि अगर आप नाइट्रोजन अवेल कराते हो ज्यादा से ज्यादा तो उसमें भी पैथोजन की ग्रोथ अच्छी होती है. इसलिए यहां पर कैसा चाहिए, यहां पर चाहिए स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्योंकि उसमें नहीं तो पैथोजन की ग्रोथ भी हो जाएगी. दूसरा आप क्या करोगे गाइस, टॉलरेंट वेराइटी, इससे पहले वाले की तरह यहां पर भी आप क्या करोगे, टॉलरेंट वेराइटीज ग्रो करोगे, जैसे भवानी हो गया, जैसे आपकी ये आपकी जो CO44 हो गया, तो इस टाइप की वेराइटीज आपको क्या करनी है, लगानी है. क्लियर बात? इसके अलावा गाइस आप डिजीज फ्री सीड भी लगा सकते हो. डिजीज फ्री सीड अगर आप लगाओगे तो भाई अगर डिजीज में ही सॉरी डिजीज फ्री सीड आप जब आप सीड लगाओगे तो अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्रॉप भी आपकी अच्छी होगी. और अगर सीड में ही इन्फेक्शन है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्लांट हमारा हेल्दी होगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं गाइस. तो यहाँ पर आप कैप्टन थीरम अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा आप एडिफेनफॉस आप या मैनकोजेब अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिकली ये हमारे कुछ आपके क्या होते हैं, फंजासाइट होते हैं जिनको जनरली हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं टू क्योर दिस डिजीज और टू क्योर दिस इन्फेक्शन. क्लियर बात? चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइज. नेक्स्ट वन इज शीथ ब्लाइट. शीथ ब्लाइट का इन्फेक्शन जो है ये भी आपका राइस का इन्फेक्शन है, और ये शीथ ब्लाइट का इन्फेक्शन जो है राइजोक्टोनिया सोलेनाई कॉज करता है. कौन कॉज करेगा? राइजोक्टोनिया सोलेनाई. अब गाइज इसकी अगर हम कॉजल ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल स्टेज की बात करें तो सेक्सुअल स्टेज क्या है इसकी, थनेक्टोफोरस. क्या है? थनेक्टोफोरस, थनेक्टोफोरस कुकुरमिस. ठीक है, क्या है? थनेक्टोफोरस कुकुरमिस. ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर सिम्टम्स की हम बात करें शीत ब्लाइट के सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या है शीत ब्लाइट में, तो देखिए यहाँ पर ये फंगस जो है ये क्या करता है, फंगस अटैक द क्रॉप फ्रॉम द टिलरिंग टू हेड स्टेज. तो बेसिकली ये फंगस जो है ये क्या करता है, हेड स्टेज में जाकर उस टाइम पे अटैक करता है. दूसरी बात, इनिशियल सिम्टम आर नोटिस्ड ऑन लीफ शीथ. तो जो इनिशियल सिम्टम्स है वो हम कहाँ पर देखते हैं गाइस, लीफ शीथ में देखते हैं, यानी कि लीफ वाले पोर्शन में हम सबसे पहले इन्फेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं नियर द वाटर लेवल. भाई लीफ शीथ में नियर द वाटर लेवल, जहां पर आपका वाटर लेवल है उसके नियर बाई जो लीफ होगी वहां पर हम इसको देखते हैं. दूसरा, ऑन द लीफ शेड ओवल इलिप्टिकल और इरेगुलर ग्रीनिश ग्रे स्पॉट आर फॉर्म्ड. और इसमें क्या होता है गाइस, जब लीफ शेड में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो अल्टीमेटली ग्रीन कलर ग्रीनिश ग्रे कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं. तो भाई ग्रीनिश ग्रे कलर के स्पॉट्स अगर हमारे बनने लगे तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है और यहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है. किसका? शीत ब्लाइट का. दूसरा, एज द स्पॉट इन लार्ज, भाई जैसे जैसे वो स्पॉट्स हमारे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सेंटर में ज्यादा ज्यादा ग्रे कलर का वो होता जाएगा, ग्रेश व्हाइट कलर का हो जाएगा विद एन इरेगुलर ब्लैकिश ब्राउन और पर्पल ब्राउन बॉर्डर. तो भाई बीच से वो कैसा होगा, बीच से वो जनरली ग्रेश व्हाइट कलर का हो जाता है और साइड से वो क्या होता है, इरेगुलर शेप के ब्लैकिश ब्राउन या फिर पर्पल ब्राउन कलर देने लगता है. तो ये इन्फेक्शन जब स्टार्ट होता है तो छोटे छोटे स्पॉट्स के फॉर्म में होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन बड़ा होता है होता है वैसे वैसे क्या होता है, इसके जो कलर है वो चेंज होने लगते हैं, सेंटर में ग्रे कलर और साइड में क्या होता है ब्लैकिश पर्पल या ब्लैकिश ब्राउन कलर या फिर पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है. क्लियर बात?
चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइज. नेक्स्ट वन इज लीजन्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सटेंड रैपिडली कोलाजिंग विद द ईच अदर टू कवर एंटायर टेलर फ्रॉम द वाटर लाइन टू अ फ्लैग लाइफ. अब क्या बोला इसने, तो जो लीजन्स है अपर प्लांट के अपर पार्ट में जो लीजन्स होंगे बेसिकली वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ जाते हैं. क्लियर बात, वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे के पूरे प्लांट को, ये पूरी की पूरी लीफ को वो कवर अप कर लेते हैं और पूरा लीफ जो है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. क्लियर बात. दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लार्ज लीजन, अगर बहुत सारे लार्ज लीजन वहां पर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या होता है लीफ शीथ के ऊपर, तो यहां पर क्या होता है पूरी की पूरी लीफ की डेथ हो जाती है. अगर आपकी लीफ वाले पोर्शन में या लीफ शीथ में बहुत सारे लीजन है तो अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास जाएंगे और अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्लांट विल डाई, प्लांट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे. क्लियर हो गई ये बात, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस, फेवरेबल कंडीशन. तो भाई इसकी भी पैथोजन की कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है क्या, तो भाई इसको एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, फंगस है बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, और दूसरा इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. तो भाई हाई टेम्परेचर पे जनरली ये ग्रो करता है, जैसे आपका हाई, बहुत हाई नहीं, मीन्स आपका 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जनरली ये पैथोजन ग्रो करेगा. और दूसरा इसके लिए ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फंगस के लिए ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए, उस टाइम पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, जैसे आप समर सीजन में देखते हो. दूसरा गाइस, इसके लिए आप क्लोज स्पेसिंग अगर करते हो तो उसमें भी फंगस की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और बहुत ही ज्यादा होगी. समझ गए इस बात को, तो फंगल ग्रोथ विल गुड इन द कंडीशन ऑफ हाई मॉइस्ट एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन. क्लियर ये बात. चलिए, हैवी डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और दूसरा अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर हैवी डोज में दे रहे हो तो उस कंडीशन में भी ये पैथोजन बहुत अच्छा सर्वाइव करता है. क्लियर बात, समझ आ गई बात. तो इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो हमें लिमिटेड अप्लाई करना, बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पैथोजन की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. और यहाँ पर भी सेम यही चीज है, तो नाइट्रोजन हमें क्या करना है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का हमें बहुत ज्यादा हैवी डोज नहीं देना, क्योंकि अगर हम हैवी डोज देंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का तो वो पैथोजन की ग्रोथ करेगा. तो इसीलिए लिखा है हैवी डोज ऑफ नाइट्रोजन. अब देखिए मैनेजमेंट पर चलते हैं गाइस. तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसका, तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, हर किसी के लिए जो हम यूज करते हैं रेजिस्टेंट वेराइटीज हमें ग्रो करनी है. क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंट वेराइटीज हम ग्रो करेंगे. तो इसमें बेसिकली मानसरोवर हो गया, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपका स्वराव हो गया, या फिर आप स्वरा धान हो गया और पंकज हो गया. तो बेसिकली ये कुछ वेराइटीज हैं जो आपको यूज करनी है, ठीक है. तो बेसिकली ये आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं गाइस, जिसको आप यूज कर सकते हो, मानसरोवर, सरावधान और पंकज. इसके अलावा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे नीम केक. तो नीम केक क्या होता है, बहुत बिटर होता है टेस्ट में, तो जनरली पैथोजन इसको कंज्यूम करना प्रेफर नहीं करता. क्लियर बात. इसके अलावा FYM हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा अवॉइड फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर From the infected field to the healthy field. तो भाई infected field से healthy field में पहुंचने के लिए, ठीक है, infected field से healthy field में पहुंचने के लिए ये क्या करता है, irrigation water का use भी करता है. मतलब जो आप जो water आप irrigation के लिए use करते हो ना, तो उस irrigation water के through जो infected field का part है, वहां से आपके healthy field वाले part में भी क्या होता है, ये infection spread कर जाता है, अपने spores को generally spread कर देता है और फिर पूरे field में infection cause करता है. Clear बात. चलो, डीप्लॉइंग इन समर एंड बर्निंग इन स्टबल. सो आप क्या करोगे, डीप्लॉइंग करोगे, ठीक है. दूसरी बात, आप यहाँ पर कोई फंजासाइट आप अप्लाई कर सकते हो, तो क्या करोगे, कार्बेंडाजिम. तो कार्बेंडाजिम यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो. तो भाई ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट पे हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे हम रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो करनी है, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स करने, जैसे नीम केक अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसके अलावा आपके FYM वगैरह अप्लाई कर दिया, इसके अलावा हम इरीगेशन वाटर को जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली इरिगेशन वाटर से भी क्या होता है, इन्फेक्टेड पार्ट से आपके अनइन्फेक्टेड पार्ट में भी आपका जो पैथोजन है वो स्प्रेड हो जाता है. दूसरा, आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है. तीसरी बात की डीप्लॉइंग करनी है, डीप्लॉइंग से आपका इन्फेक्शन कम हो सकता है और आपको कार्बेंडाजिम स्प्रे करना है, ठीक है. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून पंकज मैम, मेरा नाम तो बोर्ड पर भी है. बिल्कुल है आपका नाम बोर्ड पर, भाई बोर्ड पर जो नाम है वो वेराइटी का नाम है, ठीक है. चलो, तो गाइज ये हम लोगों ने कुछ मैनेजमेंट वाले पार्ट में पढ़ा. क्लियर ये बात, ओके. तो ये इस तरीके से जनरली आपका इन्फेक्शन होता है गाइज, इस तरीके से आप इस इन्फेक्शन को देख सकते हो. क्लियर बात. तो दिस इज एक्चुअली द मेन इन्फेक्शन, ये आपका मेन इन्फेक्शन होता है, इस तरीके से ये इन्फेक्शन दिखाई देता है. देखिए आप देख रहे हो,
इस तरीके से ये इन्फेक्शन आपको दिखाई देता है. क्लियर बात. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस. तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन आ गया आपका सबसे पहला. तो विच पैथोजन कैन कॉज नैरो ब्राउन स्पॉट इन राइस. तो भाई राइस में नैरो ब्राउन स्पॉट इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा. सर्कोस्पोरा ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, राइनकोस्पोरियम ओराइजी एंड सार्क्लेडियम ओराइजी. बताइए अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज. नैरो ब्राउन स्पॉट इन लीफ इन राइस कौन कॉज करेगा बताओ. फटाफट से बताओ गाइस. अभी तो पढ़ा हमने ये, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा. विच पैथोजन कैन कॉज नैरो ब्राउन स्पॉट इन दी राइस. राइस में नैरो ब्राउन स्पॉट कौन कॉज करेगा. फटाफट से बता दो गाइस, जल्दी से बता दो भाई. हमने अभी तो पढ़ा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी. ब्राउन लीफ स्पॉट कौन कॉज करता है. ब्राउन लीफ स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ही करता है ना. बताया तो था अभी आपको 1945 में इसकी वजह से बंगाल फेमाइन भी आया था. क्या आया था. बंगाल फेमाइन आया था. समझ गए इस बात को. तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर. हाँ बिल्कुल शैलेन राजपूत ने सही आंसर किया, बी हो जाएगा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच पैथोजन कॉज स्टैक बर्न इन राइस. भाई स्टैक बर्न राइस में कौन कॉज करता है. अल्टरनेरिया पेडविकी या फिर आपका राइनकोस्पोरियम होगा या फिर आपका सर्कोस्पोरा होगा या फिर आपका एफलेंटॉइड्स होगा. बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा. इन में से कौन सा ऐसा पैथोजन है जो बेसिकली स्टैक बर्न कॉज करता है राइस में. बताइए स्टैक बर्न ऑफ इन राइस इज कॉज बाय विच पैथोजन. स्टैक बर्न ऑफ राइस इज कॉज बाय विच पैथोजन. ओके मेहंदी डिजाइन बाय शिवानी. ओके बी ठीक है. हाँ सूरज आपका आंसर मैंने देख लिया, सी इज करेक्ट. ओके तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए. ठीक है देखो गाइज ध्यान से देखो इसे. मैंने क्या पूछा आपसे, स्टैक बर्न पूछा है. स्टैक बर्न को एक्चुअली और क्या बोलते हैं, अल्टरनेरिया इन्फेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है इसको अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन भी बोलते हैं, अल्टरनेरिया रॉट या इस तरीके से इसको अल्टरनेरिया इन्फेक्शन भी बोला जाता है. तो अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा, अल्टरनेरिया पैडविकी. ठीक है अल्टरनेरिया पेडविकी विल कॉज अल्टरनेरिया इन्फेक्शन. ठीक है तो इसका अनदर नेम फॉर दिस स्टैक बर्न के लिए अल्टरनेरिया रॉट हो जाएगा. ठीक है तो बेसिकली दिस इन्फेक्शन इज कॉज बाय अल्टरनेरिया पेडविकी. क्लियर. चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस. ओके आज हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे गाइस. ठीक है तो आज के हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चंस किए हैं, बट आई होप कि यू ऑल लाइक द सेशन. आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा. तो आज के डिजीजेस जरूर से पढ़ लीजिएगा गाइस. देखो पंजाब एडियो में आपकी राइस की जो डिजीज है डेफिनेटली आपसे पूछी जाएंगी. लास्ट टाइम भी इनसे क्वेश्चन आया था. तो गाइस बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के अच्छे से आंसर कीजिएगा. ओके और एट द एंड ऑफ सेशन गाइस अगर आप मुझसे इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो गाइस. बैच में आप देख सकते हो इसमें आपके सारे एग्री के फैकल्टीज हैं. ठीक है संदीप सर है, वर्षा मैम है, मीनाक्षी मैम है, आकाश सर है, मैं हूं. ठीक है बाकी आपके जीके जीएस के फैकल्टीज भी आपको यहां पर मिल जाएंगे गाइस. तो आप इस बैच में अप्लाई करने के लिए, इस बैच में एनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो Y447A या फिर Y447. इस कूपन कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस और उसके साथ इन 77% या 80% आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो. तो आपको बैच में इनरोल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ गाइस. तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पर जाना है. ठीक है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे, आप ऐप से भी डाउनलोड, आप ऐप से भी कर सकते हो क्योंकि ऐप में भी आपको डायरेक्ट बैच मिल जाएगा. ठीक है आपको जाना है ऑल कोर्सेज पर. ऑल कोर्सेज में आपको एग्रीकल्चर पर जाना है. एग्रीकल्चर में आप जाओगे पंजाब वीडियो पर. जैसे यहां पर जाओगे गाइस पंजाब, ये रहा आपका पंजाब वीडियो का बैच. यहां पर गाइस आपको स्टडी प्लान भी अपना मिल जाएगा, सारे फैकल्टीज का स्टडी प्लान मिल जाएगा यहां पर. तो आप सारे फैकल्टीज का स्टडी प्लान देख सकते हो. इस बैच का एक्चुअल प्राइस है 9999. तो जैसे ही आप गाइस यहां पर कूपन कोड अप्लाई करोगे Y447A, तो जैसे इसे अप्लाई करोगे गाइस यहां पर आपको 77% ऑफ मिल जाएगा और 2299 में, यानी कि ऑलमोस्ट
2300 में आपको आपका पूरा बैच अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको आपकी जीके जीएस क्वांट्स रीजनिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी और आपको अपनी पूरी एग्रीकल्चर की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। तो गाइज आप इस बैच में इनरोल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ और डिटेल में अपनी स्टडी कीजिए पंजाब एडीओ के एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और बाकी अपनी स्टडीज करते रहिएगा गाइज, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी भी आपका हो सकता है। तो यार बिल्कुल अच्छे से ध्यान से अपना स्टडीज कीजिए गाइज, और आपका पंजाब एडीओ का बैच स्टार्ट हो गया तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए गाइज, ताकि आप इस बैच में फटाफट से जुड़ सके और अपनी स्टडीज को कैरी ऑन कर सके आगे, ओके। तो चलिए गाइज नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।